हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिंदी ब्लॉगिंग आइडियाज़। हिंदी ब्लॉगिंग आइडियाज़ यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं पहले आप लोगों से वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि मैं अभी रेगुलरली एक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे फैमिली में थोड़ा सा काम बाकी है जो मुझे ही करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे फैमिली में मेरे अलावा कोई नहीं है। मेरे मम्मी है और मेरा कोई भाई बहन नहीं है, इसी वजह से मुझे घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तो मैं इस वजह से, मेरा पापा भी चले गए, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था एक वीडियो के थ्रू, तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इसी वजह से मैं YouTube पे थोड़ा बहुत टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो आज से आपको रेगुलरली वीडियो मिलता रहेगा। रेगुलरली मतलब आपको दो तीन दिन के बाद एक तो वीडियो मिल ही जाएगा। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास होने वाला है। आप लोग बहुत बहुत सारे ऐसे बिगिनर ब्लॉगर हैं जो लोग चाहते हैं उनके ब्लॉग का डोमेन अथॉरिटी यानी DAPA बढ़ाना, या फिर कह सकते हैं डोमेन अथॉरिटी या फिर डोमेन रेटिंग। आप लोग जिस तरीके से अगर आरिफ में चेक करेंगे तो आप लोग वहां पर डोमेन रेटिंग के हिसाब से देख सकते हैं DR, और अगर आप लोग मॉज के थ्रू चेक करेंगे तो वहां पर आप लोगों को DAPA हिसाब दिखाएगा, यानी DA मतलब डोमेन अथॉरिटी। तो आप लोग किस तरीके से आपका किस तरीके का बैकलिंक बनाने से आपका डोमेन अथॉरिटी बढ़ेगा, किस तरीके से आप लोग आपके साइट का अच्छे से बैकलिंक बना सकते हैं, और आप लोग तो जानते ही होंगे एजुकेशनल बैकलिंक यानी .edu बैकलिंक आप लोगों के हमारे ब्लॉग के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर हमें दो या चार edu बैकलिंक मिल जाते हैं हमारे ब्लॉग पे, तो हमारे ब्लॉग थोड़ी दिन के अंदर ही ग्रो करना शुरू कर जाता है, तो आप लोग तो पता ही होगा। तो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को ऐसे कुछ edu बैकलिंक्स के बारे में बताऊंगा, आप लोग किस तरीके से इस तरीके का बैकलिंक बनाएंगे, सब कुछ आज मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में आप लोगों को एक बेल का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसे दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आप लोगों को बताते हैं किस तरीके से आप लोग इस edu बैकलिंक को बनाएंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को गूगल पे थोड़ा सा सर्च करके दिखा देता हूं। अगर आप लोग यहां पर edu बैकलिंक लिस्ट लिखकर सर्च करेंगे तो आप लोगों को ऐसे बहुत सारे साइट्स मिल जाएगा जहां पर आप लोगों को edu बैकलिंक्स मिलेगा, लेकिन यहां पर ज्यादातर जितने भी आप लोगों को साइट्स देखने को मिल रहा है उनमें जो भी बैकलिंक्स दिया गया है वो बहुत थोड़ा बहुत काम का नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी दिया गया है वो तो काम का नहीं है। आप लोग यहाँ पर बैकलिंक बना पाएंगे इसका कोई भी गारंटी नहीं है, और थोड़ा ऐसा भी लिंक दिया गया है जो हमारे लिंक ओपन भी नहीं होंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं किस तरीके से बैकलिंक बनाऊंगा, यहाँ तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग जितने भी गूगल पे सर्च करेंगे तो आप लोगों को ऐसा कोई भी साइट नहीं मिलेगा जहां से आप लोगों को परफेक्ट edu बैकलिंक मिल जाए। तो मैं आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगा आप लोग कहां से जेन्युइन एजुकेशनल बैकलिंक बना सकते हैं। तो वहां पर मैंने कुछ कमेंट बैकलिंक भी बनाया दिया है, वहां पर आप लोग प्रोफाइल क्रिएशन करके बैकलिंक ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो भी आज बैकलिंक के बारे में बताऊंगा सब कुछ आपको edu बैकलिंक्स यानी एजुकेशनल बैकलिंक के बारे में बताऊंगा, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। तो एजुकेशनल बैकलिंक बनाने के लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले हमारे इस ब्लॉग पे आना होगा। आप लोग मेरे ब्लॉग के बारे में जानते ही होंगे, हिंदी में जानकारी.net, ये मेरा ब्लॉग है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा top 10+ edu बैकलिंक साइट्स का लिस्ट। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डिटेल्स में बताया है किस तरीके से आप लोग यहाँ पर एजुकेशनल बैकलिंक बनाएंगे, सब कुछ यहाँ पर मैंने डिटेल्स में दिया है। देख सकते हैं एजुकेशनल बैकलिंक क्या है, क्यों एजुकेशनल बैकलिंक हमारे बैकलिंक रैंकिंग के लिए महत्वपूर्ण है, ब्लॉग कमेंटिंग साइट्स का लाभ क्या है, सब कुछ यहाँ पर मैंने डिटेल्स में बताया है। आप लोग इसे पढ़कर आप लोग आसानी से यहाँ पर एजुकेशनल बैकलिंक बना सकते हैं। देख सकते हैं
यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही जेन्युइन तरीके से आप लोग यहाँ पर बैकलिंक्स पा सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को मैं काम करूँगा, इस पोस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से आकर इस बैकलिंक्स को ले सकते हैं। तो उससे पहले मैं मेरे साइट्स का आप लोगों को यूट्यूब बैकलिंक मैंने आप लोग सोच रहे होंगे यूट्यूब बैकलिंक्स इंडेक्स होता है या नहीं, तो मैंने भी मेरे ब्लॉग के लिए थोड़ा बहुत यूट्यूब बैकलिंक बनाया है, तो मैं आपको चेक करवा देता हूं। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहां पर आरिफ इस्तेमाल कर रहा हूं, तो आरिफ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। देख सकते हैं मेरा URL है 22, DR है 2.6, आप लोग देख सकते हैं। और चलिए मैं आपको बैकलिंक्स के बारे में दिखा देता हूं। देख सकते हैं डू फॉलो कितना है, गवर्नमेंट बैकलिंक कितना है, एडुकेशनल 10 बैकलिंक्स मुझे मिल रहा है यहाँ से, एडुकेशनल मतलब EDU बैकलिंक्स मुझे 10 मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं अगर एडुकेशनल पे क्लिक करूँगा, देख सकते हैं यहाँ पर डोमेन रेटिंग कितना है, फास्ट जो मैंने बनाया है जहाँ से American.edu, इसका डोमेन रेटिंग है 82, मतलब कितना ज़्यादा होता है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सब हाई अथॉरिटी डोमेन रेटिंग मिलेगा, तो यहाँ से अगर आप लोगों को थोड़ा एक भी बैकलिंक मिल जाता है तो आपका ब्लॉग जल्दी से ग्रो हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ आप लोग EDU बैकलिंक थोड़ा बहुत बनाइए आपके ब्लॉग के लिए। आपके ब्लॉग अगर आप लोग नए ब्लॉग शुरू किए हैं तो अगर आप लोग आपके ब्लॉग के लिए एक भी एडुकेशनल बैकलिंक बनाते हैं तो आपका ब्लॉग जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो मैटर करता है आपका कंटेंट, कंटेंट के साथ साथ आपका बैकलिंक्स भी बहुत ही बड़ा मैटर करता है आपके ब्लॉग का रैंकिंग करने रैंकिंग फैक्टर में। तो इसी वजह से मैं कहूँगा आप लोग थोड़ा बहुत EDU बैकलिंक भी बना लीजिए। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर EDU बैकलिंक बनाया है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर किसी भी साइट्स यहाँ पर मैंने आपको टोटल 8+ 10+ आप लोगों को यहाँ पर दिखाया है, ब्लॉग का लिंक दिया है। तो चलिए किसी एक को भी ओपन करके देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग यहाँ पर बैकलिंक बनाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मेरा साइट एक साइट को ओपन कर लिया है। सॉरी मेरा यहाँ पर थोड़ा सा नेट स्लो है, इसी वजह से ये साइट ओपन नहीं हो रहा है, एक बार चेक करके देख लेता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर ये साइट ओपन हो चुका है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग यहाँ पर बैकलिंक बनाएंगे। तो इस ब्लॉग पे हम लोग कमेंट के थ्रू बैकलिंक बनाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर कमेंट के थ्रू बैकलिंक ऑलरेडी बनाकर भी रखा है। हाँ तो देखिए यहाँ पर मैंने एक साइट को ओपन किया है। तो पहले मैं इस साइट का किस तरीके से आप लोग इस साइट के ऊपर बैकलिंक बनाएंगे वो मैं तो आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूँ, तब आप लोगों को समझ में आएगा आप लोग किस तरीके से यहाँ पर EDU बैकलिंक बनाएंगे आपके ब्लॉग के लिए। थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम है इसी वजह से हमारे यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। हाँ देख सकते हैं मैं यहाँ पर कमेंट फॉर्म के ऊपर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं मेरा नाम दे देता हूँ स्वागत दे वेबसाइट, मैं यहाँ पर मेरे इस पोस्ट के लिए मैं एक बैकलिंक बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर वेबसाइट दे दिया कमेंट, मैं यहाँ पर कोई भी एक अच्छा सा कमेंट कर देता हूँ, थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन।
देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कमेंट कर दिया है, तो यहाँ पर मैं सबमिट करूँगा, तो मेरा कमेंट यहाँ पर मुझे कैप्चा सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पर कैप्चा सॉल्व करता हूँ, वेरीफाई क्लिक करता हूँ, तो देख सकते हैं योर कमेंट वाज सक्सेसफुली पोस्टेड, मेरा यहाँ पर कमेंट सक्सेसफुली पोस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं अगर चेक करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर थोड़ा रिफ्रेश करना पड़ेगा, रिफ्रेश करके आप लोग दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले इस साइट का डोमेन रेटिंग चेक कर लेता हूँ, इस साइट का डोमेन रेटिंग कितना है, तो मौज के हिसाब से इसका कितना है मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, रिफ्रेश करने के बाद आप लोगों को दिखा देता हूँ। देख सकते हैं इसका डोमेन रेटिंग है 92 पीए, मतलब पेज पेज अथॉरिटी है 56। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा हाई डीएपी है, उस साइड से हमें बैकलिंग मिला है, और आप लोग देख सकते हैं स्पैम स्कोर भी 1% है, ज़्यादा स्पैम स्कोर भी नहीं है। तो देख सकते हैं हमें कितने अच्छी साइट से मुझे बैकलिंक मिल गया है। तो इसी तरीके से अगर आप लोग मेरे दिए गए इस पोस्ट के थ्रू आप लोग अगर बैकलिंक बनाते हैं, तो आपके ब्लॉग जल्दी से जल्दी रैंक होने में और आपके साइट को इंडेक्स होने में बहुत ही आसानी होगा। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना था कि, तो फिर चलिए मिलते हैं और एक नया और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।